आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत संयुक्त कार्यालय भवन टीकमगढ़ में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा के ईवीएम प्रदर्शन केंद्र के माध्यम से मतदाताओं को ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन के संचालन की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही मतदाताओं ने ईवीएम मशीन पर वोट कर ईवीएम संचालन की प्रक्रिया समझी। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो दो ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल ईवीएम प्रदर्शन केंद्र भी संचालित किए जाएंगे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर बताएं, यहाँ पे ईवीएम मशीन अभी इंस्टॉल की गई है, लोगों के लिए जानकारी क्या है इसका उद्देश्य? निर्वाचन आयोग के अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ईवीएम मशीन के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे 3 ईडीसी सेंटर जिले में चल रहे हैं, जो प्रत्येक विधानसभा स्तर पर हैं। जो टीकमगढ़ विधानसभा है उसका हमने जिला कलेक्टर कार्यालय की कक्ष में किया है ईडीसी का सेंटर, और खरगापुर विधानसभा के लिए एसडीएम बल्देवगढ़ के कार्यालय में, तथा जतारा विधानसभा के लिए एसडीएम जतारा के कार्यालय में हमने ईवीएम मशीन प्रदर्शन के लिए रखी गई है, ताकि आमजन सभी लोग आके ईवीएम मशीन से विधिवत भली भांति परिचित हो जाएं, इसमें वोटिंग सिस्टम कैसा होता है, कैसे वोट डाला जाता है, और मतदान के प्रति नए युवा जो 18 वर्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।